गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इंडिपेंडेंस डे के लिए क्राफ्ट बनाया था, बराबर। इस टाइम भी राखी फेस्टिवल आ रहा है, तो इस टाइम भी हम क्राफ्ट ही करेंगे। उसके लिए टॉपिक नेम इज़ राखी। यहाँ पे टॉपिक नंबर इज़ जो भी आता है वो लिखना है। यहाँ पे आज की डेट, ये राखी आप लोगों को बनाने के बाद बुक में चिपकानी है। ओके, तो यहाँ पे राखी, टॉपिक नेम इज राखी, और यहाँ पे आज की डेट, यहाँ पे आपको राखी चिपकानी है। पहले से मैं बोल देती हूँ, आप अपनी पसंद की कोई भी अच्छी वाली राखी भी बना सकते हो। अपने पास जो भी मटेरियल है उसमें से राखी बना सकते हो। कंपलसरी मैं बना रही हूँ, वैसी नहीं बनानी है। ओके, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मेरे पास जो मटेरियल है उसी में से मैं राखी बना रही हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया है, एक पेपर का टुकड़ा लिया है, कार्ड मीन्स मोटा वाला है, थोड़ा ठीक है। ओके, को मैं पूरी तरह से ऐसे फेविकोल वाला कर दूंगी, आगे की साइड और पीछे भी साइड करना है, पर लास्ट में करेंगे क्योंकि मुझे नीचे रखोगी तो खराब हो जाएगा। ओके, अब मिडल में मैं ऐसे, आप कोई भी कलर का, आप पर्ल भी ले सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप, मैं लकड़े का जो मैंने मोती लिया है वैसा लेना ज़रूरी नहीं है। ओके, अब मेरे पास कलरफुल चावल भी है, मैंने कंकु से, कुमकुम होता है उससे चावल का मैंने कलर कर दिया है। आप कोई भी कलर का कर सकते हो। ओके, और इसको मैं साइड में ऐसे देखो कितना मस्त लग रहा है ना, ऐसे चिपका रही हूँ। उसके ऊपर भी थोड़ा फेविकॉल डाल दूंगी तो अच्छी तरह से वो चिपक जाएगा। अभी फेविकॉल ट्रांसपेरेंट नहीं है तो अभी वाइट दिखेगा, जैसे फेविकॉल सूख जाएगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो ये चावल अच्छी तरह से आपको दिखेगा। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको सूखने पर छोड़ देना है। तब तक कोई भी वूल आप स्क्वायर में बना रहे हो, इसको भी आप उस लास्ट में सर्कल का कट कर सकते हो। मेरे पास और भी चावल है, उसको मैं सर्कल में स्क्वायर बना रही हूँ, तो साइड में भी ऐसे चावल लगा रही हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्वायर में ही बनाओ, आप सर्कल में भी बना सकते हो। ओके, एक काम करती हूँ, मैं भी सर्कल में ही बना देती हूँ। क्या एक्स्ट्रा जो है पेपर्स उसको हम कट कर देंगे। ओके, ये सर्कल वाला बन गया, उसको मैं साइड में रख रही हूँ। और अब मैंने थ्रेड लिया है, आप कोई भी कलर का थ्रेड ले सकते हो,
या गोल्डन कलर का भी ले सकते हो, आप कोई भी कलर का, जिस जो कलर की आपको पसंद आती है राखी वो कलर की बना सकते हो। ओके, मैंने ये थ्रेड लिया है, उसमें पहले मैं रेड कलर का लकड़ी का ही मोती डाल रही हूँ, उसके बाद ग्रीन कलर का, फिर पिंक। ओके, फिर येलो। अगेन अब वापस वही कलर के डालने हैं जैसे मैंने यहाँ पे पहले रेड लिया है, तो लास्ट में मैंने येलो लिया है, तो वापस मैं येलो लूँगी, उसके बाजू में पिंक, उसके बाजू में और वापस लास्ट में रेड। आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों ऐसा किया है। देखो, जहाँ जो ये मैंने कलर किए हैं वैसे ही कलर इस साइड भी किया है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने बनाया है उसको पीछे की साइड फेविकॉल लगा के, उससे पहले हम एक काम करते हैं, ये से जो साइड है जितने साइज़ का हमें ये राखी बनानी थी उसी साइज़ के हम साइड में गांठ लगा देंगे। ओके, अब इस साइड भी हमें कितनी साइज़ का लेना है, इतनी साइज़ का। और यहाँ भी हम एक और गांठ लगा देंगे। वैसे ही इस साइड भी ओके, यानी दोनों साइड मैंने गांठ क्यों बांधी, क्यों ये जो मोती है वो एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं चला जाए। अब जो हमने ये पेडल जैसा बनाया है
उसको पीछे की साइड फेविकॉल लगा के ऐसे चिपका देना है। देखो ये अभी सूखा नहीं है, सूखने का वेट करेंगे, उसके बाद मैं उठाऊंगी। ये हमारी राखी रेडी है। आपको ऐसे ही राखी बना के या अपने हिसाब से, मेरे से भी अच्छी कई बार आप लोग बना सकते हो, तो वैसे भी बना के मुझे सेंड करनी है। ओके, पर याद रहे कि कंपलसरी एक राखी तो आपको बना के भेजनी है। ओके, अभी ये सूखा नहीं है तब इसको मैं उठा नहीं सकती हूँ। आपको भी कोई भी साइड कोई भी राखी बना के अपने हिसाब से अच्छी वाली राखी बना के मुझे फ़ोटो सेंड करनी है। ओके, मैं सूखने के बाद आप लोगों को फ़ोटो सेंड कर रही हूँ।